आज हम बनाने जा रहे हैं ओल का चोखा, जिसे भरता भी कहते हैं और इस ओल को सूरन भी कहते हैं। इसे कई नाम से जाने जाते हैं। तो आज हम बनाएंगे इसका भरता, बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हम लिए हैं एक ओल, हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना ही बनाएंगे। ओल को अच्छी तरह से धोकर हम साफ कर लिए हैं और अब हमें जितनी ज़रूरत होगी भरते के लिए उतना ही ओल का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसे आधा काट लेते हैं। तो इसे हम काट लेते हैं जितने हमें ज़रूरत होगी। ओल को हम दो टुकड़ा कर लिए हैं, तो एक टुकड़ा हम रख देंगे और एक ही टुकड़ा बनाएंगे। तो इसे हम छोटा छोटा पीस करके बॉईल कर लेंगे। गैस पे कुकर चढ़ा दिए हैं और उसमें पानी रख दिए हैं गर्म होने के लिए। और अब ये ओल का हम छोटा छोटा टुकड़ा कर लिए हैं, इसे हम डाल देते हैं और इसे हम 2 से 3 सीटी लगने तक बॉईल करेंगे। तो अब इसका ढक्कन हम लगा देते हैं और 2 से 3 सीटी लगने तक इसे हम पका लेंगे। ओल हमारा उबल गया है, इसे हम कुकर से निकाल लिए हैं और इसे ठंडा कर लिए हैं। और अब इसका हम छिलका निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसानी से देखिए इसका छिलका निकल जाता है। तो इस तरह से हम ओल का छिलका निकाल लेंगे। तो ओल का सारा छिलका हम निकाल लिए हैं अच्छी तरह से। चलिए अब इसे हम बनाते हैं। यहाँ हम लिए हैं एक मिक्सिंग बॉल, इसमें हम ओल को डाल देंगे। और यहाँ हम एक मैसर लिए हैं, इसे हम इस तरह से अच्छी तरह से मिस लेंगे। तो ये देखिए हम अच्छी तरह से ओल को मैश कर लिए हैं मैसर से, बिल्कुल अच्छा से मैश हो गया है। बहुत स्वादिष्ट बनता है ओल का चोखा। और ओल को तो कई नाम से जाने जाते हैं, इसे जिमीकंद भी कहते हैं, सूरन भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे एलिफेंट फूट कहते हैं। ओल के चोखा में डालने के लिए हम यहाँ लिए हैं बारीक कटा हुआ हरा मिर्च है, लहसुन है जिसे एकदम बारीक काट लिए हैं, अदरक है इसे भी एकदम बारीक काट लिए हैं, और ये धनिया पत्ता है, और ये है नींबू का रस जो कि सबसे ज़रूरी है ओल के चोखा में डालने के लिए। नींबू का रस हो या अचार हो या आमचूर पाउडर हो, इसे डालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ओल का चोखा जो होता है वो मुंह नोचता है। तो अब इसमें हम ये हरी मिर्च डाल देंगे, बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे, अदरक डाल देंगे और यहाँ हम धनिया पत्ता डाल देंगे। और ये नींबू का रस, और इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ओल का चोखा बनाना बता रहे हैं। तो अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और ये सरसों का तेल, इसमें सरसों के तेल का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ हम 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और इसे मिला लेते हैं। हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ओल का चोखा बनाना बता रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी मम्मी बनाया करती है, बहुत ही आसान तरीक़ों से और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत खाने में ये स्वादिष्ट लगता है ओल का चोखा। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। चलिए देखिए बिना कोई झंझट के इतना टेस्टी स्वादिष्ट ओल का चोखा हमारा बन के तैयार हो गया है। तो अब इसे हम प्लेटिंग कर लेते हैं। ये हमारा चटपटा चटाकेदार ओल का चोखा बनके तैयार है, बिल्कुल
देसी स्टाइल में। चोखा तो आप बहुत खाए होंगे, आलू का, बैंगन का, एक बार इस तरीके से ओल का चोखा बनाकर खाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप भी इस तरीके से बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।